ओबीसी की लड़ाई उनके आरक्षण को बचाने की है, यह हमारी भूमिका है। जिन चार निर्वाचन क्षेत्रों में हमने उम्मीदवार उतारे हैं, वहां वंचित सीधे तौर पर भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि मतदाता हमारा समर्थन करेंगे। हम जरांगे पाटिल द्वारा लिए गए निर्णय का स्वागत करेंगे। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम साथ हैं या नहीं। उन्होंने अपना स्टैंड ले लिया है, किंतु वह यदि साथ आते हैं तो हम परिवर्तन की सियासत लाएंगे। यह बात आयोजित पत्र परिषद में प्रकाश आंबेडकर ने की है। महाविकास आघाड़ी जो है, तीनों पार्टियां जो है, ये तीनों पार्टियां जो विस्थापित समूह है उसको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। जो सत्ता में प्रस्तापित है उन्होंने ये तीन पार्टियों पे कब्जा किया हुआ है, और इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी की ताकत होने के बावजूद भी दो या तीन सीट के ऊपर जाने के लिए वो तैयार नहीं। इस बात को उनको पता था कि अगर इनको हम लोग इनके ताकत के मुताबिक सीट दी जाएगी, जो विस्थापित समूह है उनको ये नुमाइंदगी देंगी, और सत्ता जो कुछ परिवारों के हाथ में बंदिश है वो बांध जो है वो टूट जाएगा और आम आदमी की सत्ता यहाँ पर आना शुरुआत होगी। इसलिए हम उस आघाड़ी में जाना भी चाहते थे, लेकिन उस आघाड़ी में ना हमको इज्जत मिलती थी और ना जो ताकत हमको मिलनी चाहिए, ये सीटें मिलनी चाहिए थी, वो सीटें भी वहाँ पर मिल नहीं रही। दूसरी बात, वहाँ पर जो है उनका ही झगड़ा खत्म नहीं हुआ है, वो आज भी दिखाई देता है। हर पॉलिटिक तीनों पार्टियां जो है वो अपनी अपनी अलग अलग लिस्ट वहां पर पब्लिश कर रही है। हम नहीं चाहते थे कि उनके खिचड़ी में हम लोग जाके फंसे और अपनी ताकत को गवा दें। यहां पर मैं आज भी मानता हूं कि वंचित बहुजन आघाड़ी पिछले 5 साल में एक बड़ी ताकत करके उभरी हुई है, एक पर्याय के प्रांत में यहां पर उभर चुकी है, और जो चार कॉन्स्टिट्यूंसीज के उम्मीदवार आज लड़ रहे हैं, ये चारों कॉन्स्टिट्यूंसीज के उम्मीदवार जो है उनकी सीधी सीधी लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पक्ष के साथ, भारतीय जनता पक्ष में है, क्योंकि दो उम्मीदवार जो चेंज हुए हैं वो लड़ना नहीं चाहते थे। कांग्रेस की ऐसी परिस्थिति है और इन्हीं वजहों से जो है वो आघाड़ी के साथ जो है हम लोगों का जुड़ नहीं रहा है या जम नहीं रहा, एक परिस्थिति है। और इसलिए हम लोग ने फैसला किया कि हम लोग जो है ओबीसी को साथ में लेते हुए, जो मराठा आंदोलन के माध्यम से जरांगे पाटिल ने अगर राजनीति में आने से अपने आप को रोका है, लेकिन उनकी जो ताकत है उसको साथ में लेते हुए यहाँ की बदलाव की राजनीति हम लोग शुरुआत करेंगे।